नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर की सीरीज के अंतर्गत, ये आपका पार्ट नंबर आपका 3 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 2 आपके यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं और इसके सीरीज के अंतर्गत हम लोगों को 550 प्रश्नों को कवर करना है, जो कि आपके टारगेट है आपके 15 दिनों में, ठीक है ना। और इन 15 दिनों में आपके होने वाले यूपी ट्रिपल एससी संबंधित, जैसे आपका लोअर PCS है और आपका जूनियर असिस्टेंट है, सभी प्रश्न आपके इन 550 प्रश्नों में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट नंबर का 3। कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न में से किस देश ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए सभी सरकारी पदों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो ये आपका कौन सा है, 33 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर मैक्सिको। याद रखिएगा, मैक्सिको है, ठीक है ना, जिसने सरकारी पदों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बाजार में मसाला ब्रांड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बाजार में मसाला ब्रांड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, कौन सा हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि भारत में मसाला जो पैदा होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, केरल में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, केरल, ठीक है। और आप इसको PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने फाड़ी से प्रभावित ओडिशा को कितने रुपए के, आपके देखते हैं उस समय एक कह सकते हैं कि तूफान आया था, ठीक है ना, फन आया था ऐसे करके, ठीक है। तो कह रहा आपसे केंद्र सरकार ने फाड़ी से प्रभावित ओडिशा को कितने रुपए की अतिरिक्त सहायता दिए जाने की घोषणा किया है। तो ये केंद्र सरकार कितने रुपए देगी, तो ये देगी 1000 करोड़ रुपए। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि UNIP की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन द्वारा कुल वैश्विक सीमेंट उत्पादन का कितना भाग तैयार उत्पादित किया जाएगा, ठीक है। तो भारत और चीन द्वारा कुल जो वैश्विक सीमेंट उत्पादन है कितना भाग तैयार किया जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर 4 दिए हैं, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, 2/3, अर्थात 2/3 भाग भारत और चीन कुल मिला के वैश्विक सीमेंट का उत्पादन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस सार्वजनिक उपक्रम के ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता देने के लिए 70, ठीक है, कितने 1700 करोड़ के बजट की घोषणा किया है। ये आपके सार्वजनिक उपक्रमों के लिए है, जो आपके सार्वजनिक उपक्रम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप के लिए। तो ये सहायता दी जाएगी आपके 700 करोड़ रुपये दिया है, ठीक है, 700 करोड़ रुपये यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो घोषणा की गई किसके द्वारा की गई है, 37 क्वेश्चन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर नाबार्ड के द्वारा, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू ने गाय की किस नस्ल को संरक्षित करने की बात कही है, ठीक है, एक गाय की नस्ल है जिसे संरक्षित करने की बात कही है आपके उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू ने। यह आपकी जो प्रजाति है, ऑप्शन राइट आपकी सी ओंगोला, ठीक है, ओंगोल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ओंगोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश की सहायता से, भारतीय नौसेना ने किस देश की सहायता से मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। इस मिसाइल का नाम भी आपको दिया गया है MRSAM, ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये किस देश की सहायता से आपकी की गई है, तो ये इसके देश का नाम है आपका सी नंबर इजराइल की सहायता से, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करने वाली अमेरिकन कंपनी कौन सी है, भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर की जो आपूर्ति करेगी ये अमेरिकन कंपनी कौन सी है, अमेरिकन कंपनी आपकी हो जाएगी सी नंबर आपकी लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन ये कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा गेम चेंजर निम्न से किस क्रिकेटर खिलाड़ी की है, गेम चेंजर ये किस खिलाड़ी की है, इस खिलाड़ी का नाम है आपका शाहिद अफरीदी, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, शाहिद अफरीदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है
कि सर्वोच्च न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को फिजी ने अपने सुप्रीम कोर्ट के गैर नागरिक पैनल में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश से जो सेवानिवृत्त हुए थे, ठीक है ना, और ये फिजी में अपने सुप्रीम कोर्ट के गैर नागरिक पैनल में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर लिया है या नियुक्त किया है, ये कौन से हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका जस्टिस मदन बी लोकुर, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, जस्टिस मदन बी लोकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग GSI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आपका जो 35% ग्रेफाइट भंडार है वो आपके ऑप्शन राइट आपके ए आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी कर दिया है, जो कि आर्थिक रूप से आपका पाकिस्तान, ठीक है, आर्थिक रूप से जूझ रहा है, और इसे राहत के लिए कितने पैकेज मंजूरी दी गई है? ये दी गई है आपके ऑप्शन राइट आपके सी 42,000 करोड़ रुपए, ठीक है, सी नंबर 42,000 करोड़ रुपए दी गई है जो कि सहायता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जापान में 1 मई 2019 को किस नए साम्राज्य युग का आरंभ हुआ है जापान में, ठीक है, तो ये जापान में जो आपका नया युग आपका प्रारंभ हुआ है इसका क्वेश्चन है, ये आपका रेइवा, कौन ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रेइवा, ये आपका युग या कह सकते हैं साम्राज्य युग का आरंभ हो गया रेइवा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने अपने अग्रणी मिसाइल विध्वंस INS रंजीत को कितने वर्षों की सेवा देने के पश्चात सेवा मुक्त कर दिया? आपकी INS रंजीत एक थी जो कि आपकी कह सकते हैं मिसाइल है, ठीक है, विध्वंसकारी, और इसे कह सकते हैं सेवा मुक्त कर दिया है, ये आपकी जो कह सकते हैं कितने वर्षों के लिए सेवा देने के लिए सेवा मुक्त कर दिया है, तो 46 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सी 36 वर्ष, ठीक है, कितने 36 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रक बोर्ड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, या भारतीय का नाम हमसे पूछ रहा है, और इस भारतीय का नाम है जगजीत पवाड़िया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जगजीत पवाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली पायलट बन गई है, ठीक है, ये आपकी है आरोही पंडित, ठीक है, और ये आपका कौन सा सागर है या महासागर है, ये महासागर का नाम है ए नंबर आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, कौन सा आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है, इसके ऊपर से स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली पायलट बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित 7वीं चाइना पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरठ की फातिमा खातून ने डिस्क थ्रो में कौन सा पदक जीत लिया है, ठीक है, अभी यहाँ पर बीजिंग में आयोजित हुई थी, ठीक है, इसमें पैरा एथलेटिक्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरठ की फातिमा खातून भी शामिल थी, और फातिमा खातून ने डिस्क थ्रो में कौन सा पदक जीत लिया है, इस पदक का नाम है आपका सी नंबर कांस्य पदक, से ही संतोष करना पड़ा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है, यह आपकी अभिनेत्री कौन है जिन्हें सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, और इनका नाम है आपका डी, जिन्हें बोला जाता है दिया मिर्जा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा दिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि IPL 2019 की प्रायोजक कंपनी निम्न से कौन सी है, 2019 की प्रायोजक कंपनी कौन सी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, हमने बताया कि सभी क्षेत्रों से आपके ये करंट अफेयर बना रहे हैं, और किसी करंट अफेयर में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको बोरिंग लगेंगे, लेकिन इन्हीं के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो कि बहुत ही एग्जाम के लिए IMP भी होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर IPL 2019 की जो प्रायोजक कंपनी है वो कौन सी है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 51 का डी नंबर आपकी वीवो, ठीक है, कौन सी है, वीवो कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि IPL 2019 की विजेता टीम को पुरस्कार में कितनी राशि मिली है, जो विजेता टीम है उसको राशि कितनी मिली है, ये राशि का नाम है ऑप्शन आपका सी 20 करोड़ रुपए, ठीक है, 20 करोड़ रुपए है, ठीक है ना, और अभी हाल ही में जो आपके कह सकते हैं
अभी वर्ल्ड कप हुए थी उसमें 40 ठीक है लाख डॉलर ऐसे आपका देने के लिए, हमने पिछले वीडियो में बता भी दिया है कि कैसे क्या सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आईपीएल 2019 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया। आईपीएल 2019 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया है, ये दिया गया है आपके ऑप्शन राइट आपके सी सनराइजर हैदराबाद को। ठीक है, सनराइजर हैदराबाद को ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2019 में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है, सबसे तेज अर्धशतक लगाया है तो कौन लगाएगा, तो हार्दिक पांड्या, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, हार्दिक पांड्या ने लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न से किस खिलाड़ी को आईपीएल 2019 में परफेक्ट कैच ऑफ द सीरीज के लिए चुना गया, परफेक्ट कैच ऑफ द सीरीज के लिए चुना गया है और ये चुना गया है किसे, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 55 का वो हो जाएगा आपका ए आपके किरोन पोलार्ड को। किसको, पोलार्ड को, आप लोग जानते होंगे पोलार्ड के नाम से। ठीक है, उनका पूरा नाम है किरोन पोलार्ड है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, इन्हें परफेक्ट कैच ऑफ द सीरीज के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आईपीएल ऑरेंज कैप का पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, जो आपकी ऑरेंज कैप होती है वो किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है जो सर्वाधिक रन बनाने के लिए। ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने वाले के लिए आपके ऑरेंज कैप का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आईपीएल 2019 में ऑरेंज कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ऑरेंज का जो आपकी कैप है तो ये जो जीते हैं कौन जीते हैं, 57 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपके डेविड वार्नर। ठीक है, कौन है आपके, डेविड वार्नर, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आईपीएल 2019 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, आईपीएल 2019 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है या कि किस खिलाड़ी ने जीता है, 58 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सी आपके शुभमन गिल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शुभमन गिल हैं इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो सर्वाधिक पर्पल कैप का पुरस्कार किस लिए दिया था, जो आपकी सॉरी आईपीएल पर्पल कैप, जो आपकी पर्पल कैप का पुरस्कार दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, तो पर्पल कैप का जो दिया जाता है वो दिया जाता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले के लिए, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2019 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, तो सर्वाधिक छक्के लगाने वाले ये खिलाड़ी आपके कौन है, 60 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा आपके आंद्रे रसल, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आंद्रे रसल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपके छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इनसे किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2019 में सबसे ज़्यादा चौके लगाए हैं, तो सबसे ज़्यादा चौके जो लगाए हैं वो आपको उनका नाम आपसे पूछ रहा है, इनका नाम है आपके 61 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी आपके शिखर धवन। ठीक है, किसने लगाया है, शिखर धवन ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आईपीएल 2019 में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया, पर्पल कैप का जो खिताब जीते हैं वो जीते हैं आपके इमरान ताहिर, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, इमरान ताहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आईपीएल का प्रथम संस्करण कब खेला गया था, आईपीएल का प्रथम संस्करण कब खेला गया था और ये खेला है गया था जो आपके ऑप्शन राइट आपके फर्स्ट 2008 से खेला गया। ठीक है, 2008 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्न से किस टीम ने आईपीएल 2019 का फाइनल खिताब जीता है, आईपीएल का जो फाइनल खिताब जीता है वो किसने जीता है, यहाँ पर चार ऑप्शन हैं और 64 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सी टीम विजेता बनी है आपके फाइनल में 2019 आईपीएल में। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में आप डेली का डेली वीडियो अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होने वाले हैं आने वाले सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, जैसे लोअर पीसीएस हो गया, आपके जूनियर असिस्टेंट हो गया या आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी सीरीज है और ये 550 प्रश्न की सीरीज आपकी बनने वाली है 15 दिनों में। ठीक है, और इन 15 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।